हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। भाजपा ने एक सूची जारी कर उनके नाम की घोषणा की है। पिछले दिनों एक आश्चर्यजनक कदम में भाजपा ने लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले मनोहर लाल खट्टर की जगह सीएम नायब सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया था। सीएम सैनी ने 12 मार्च को हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उसी दिन सीएम सैनी के साथ 4 भाजपा विधायकों और एक निर्दलीय विधायक ने भी नई मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में शपथ ली थी। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भाजपा ने खट्टर को करनाल से लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किया था। वो हरियाणा विधानसभा में करनाल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसकी वजह से इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव की जरूरत पड़ी है। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए सीएम सैनी का 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है। वो वर्तमान में कुरुक्षेत्र के सांसद है। भाजपा ने पिछले दिनों पार्टी में शामिल हुए पूर्व कांग्रेस नवीन जिंदल को लोकसभा चुनाव के लिए कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया है। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।